हेलो सीमा मैम, नेटवर्क का इशू हो गया। मे बी हम अपने नेक्स्ट स्पीकर पे मूव करते हैं और जैसे हम कनेक्ट करते हैं सीमा मैम पे वापस आएंगे हम लोग। तो अंकित सर से मैं अगला क्वेश्चन पूछना है मेरे को। अंकित सर से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज भी क्वालिफाई किया और एमटेक भी ज्वाइन किया गेट क्वालिफाई करने के बाद एक डिसेंट अच्छी रैंक से। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस एज वेल एज वर्क एक्सपीरियंस, जो प्रेजेंटली आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में कार्यरत हैं, तो उसके बारे में हम चाहेंगे आप शेयर करें। फ्रेंकली स्पीकिंग दैट आई हैव ज्वाइंड एमटेक इन 2015 आफ्टर गेटिंग गेट रैंक 600 समथिंग आफ्टर द बीटेक। देन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ईएससी एग्जाम्स इट वाज वेरी सम हेक्टिक शेड्यूल टू डू एमटेक एंड आल्सो द प्रिपरेशन। एंड इन द इंटरव्यू they generally ask the higher degree questions, means that I have done MTech in water resource engineering. So in the interview they ask questions from the water resource, so it was beneficial for me that in the BTech there are the so many subjects, but in MTech there is only one subject. So in the interview they ask for the whatever you have done for a specific subject, so it was very fruitful for me that they asked the question only related to water resources. More than 50 to 60% question were asked from this field, so it was very beneficial for me. And next question. आप जो सर प्रेजेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में कार्यरत हैं, वहां का एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है? Actually, the as you everybody knows that there are so many सॉरी in the of technical there are so many managerial jobs, so there is so managerial works is going on like that contract agreement between the contractor and the ministries, state PWDs. So there is so much lack of some technical experience, so only managerial works is going on. So it but it is very good for me that only managerial works is going on, but in between you have to go for some site visits and you have to meet everybody. So it is very good experience, but I know whatever we have learned, that is some different in the field. So it is very good experience. Good, sir. सीमा Yes, I think I missed something. थोड़ी मेरी कनेक्टिविटी बीच में लूज हुई थी, तो हाँ अगर अंकित कुछ बोल हाँ रहा है तो ही कैन कंटिन्यू विद हाँ दैट। अंकित आई के थिंक बाद आई हैव काइंड अंकित ऑफ एड्रेस व्हाट एवर हैव हाँ बीन आस्क्ड। अंकित के बाद आप कंटिन्यू कर सकती हैं प्लीज। अंकित यू कैरी ऑन। ओके ओके मैडम, आई हैव शेयर्ड माय एक्सपीरियंस दैट इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस टू वर्किंग हियर, एंड इन दिस टाइम आई एम पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सो इट इज आई हैव टू ट्रेवल टू इन द हिली एरियाज टू हैव सच एक्सपीरियंस टू कंस्ट्रक्ट द रोड्स हियर। It is very difficult, but difficult terrain. But when we start at the difficulty, then after that, when we move towards the place, then it will be very good for us. So just I taken job here in northeastern regions. I taken posting here, so it is very good experience for me. And as I already told you that they are the some lesser technical, but more managerial jobs. Managerial works is going on. थैंक यू सर, दैट्स दैट वाज क्वाइट इनसाइटफुल। सीमा मैम, एम आई ऑडिबल? Yes. या Sorry about my या poor connectivity. नो Sometimes it नो just प्रॉब्लम, नो इश्यूज मैम, get यू कैन disturbed. गो अहेड नाउ। I think I have covered my point. Then मैं यही कह रही थी कि रिसर्च शायद आप बहुत शुरू से नहीं सोचते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे अच्छे और अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं आफ्टर बीटेक, लाइक गेट आप क्वालिफाई करके एमटेक कर सकते हो, और ऑफ कोर्स एमटेक के बाद आप रिसर्च की तरफ डेफिनेटली आ सकते हो। वो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स रिसर्च। और जैसे आईएएस है और ये सब चीजें बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आप प्लेस हो जाते हो और अपनी फर्दर लाइफ स्टार्ट करते हो, और रिसर्च थोड़ा सा आपको सोच के शुरू शुरू करना होता है, क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है और थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग भी हो सकता है कि आप
जॉब को लेके या फिर, बट आजकल रिसर्च को इतना प्रमोट किया हुआ है बोथ लेवल पे, इंडिया में भी, और आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है. जैसे मैं भी बाहर आई फॉर माय हायर स्टडीज, तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज आजकल बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए आप इसके तरफ भी सोच सकते हो. बट डेफिनेटली आप जहाँ पे भी पैशनेट हो आप उसको करो, दैट इज आई थिंक मोर मोर इम्पोर्टेंट टू डू. तो डेफिनेटली मैम. या मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, मैं देवांजना मैम के पास जाना चाहूंगा नेक्स्ट. मैम आपसे मैं आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एज अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट सर्वेयर के तौर पे जानना चाहूंगा, एज वेल एज आपका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसके बारे में भी मैं चाहूंगा आप एलैबोरेट करें थोड़ा. गुड आफ्टरनून एवरीवन. And it happened with me also, क्योंकि जब मैं थी वहां पे तब तक मुझे कुछ क्लियर आइडिया था नहीं. As soon as I joined IIT Delhi for MTech, वहां पे जाके exposure मिला कि no, this is something which is achievable and what course of action that we need to follow. तो वो सब वहां पे जाके मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, and that is how I actually thought of yes, I should give an attempt. So interview round में जैसे कि अभी अंकित जी ने बोला कि आप अगर एमटेक करते हो तो आपका जो फोकस होता है क्वेश्चंस का वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है. तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था. मेरा भी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में मेरा स्पेशलाइजेशन था, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेर स्पेसिफिकली आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एंड अनदर बेनिफिट आई वॉज हैविंग वाज ऑफ माई रीजन फ्रॉम वेयर आई बिलोंग. तो मेरा बाकी का 50% क्वेश्चन जो था वो नॉर्थ ईस्ट रीजन पे भी था. As a civil engineer, what are my thoughts or what are my ideas of क्योंकि कर सकते हैं हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. तो उन सारे आइडियाज पे क्वेश्चन पूछा गया अबाउट द स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेसेज लाइक सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश. वहां पे क्या हम कर सकते हैं जो हमारे पास रिसोर्सेज है, द माइटी ब्रह्मपुत्र, हाउ वी आर गोइंग टू चैनलाइज दैट सो दैट इट रादर देन अफेक्टिंग थ्रू फ्लड्स, हाउ कैन वी चैनलाइज इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर और इट्स पावर फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेर आस्क्ड इन माय इंटरव्यू. And since I was mentally prepared that the interview may turn into that direction, so I think that I have fared well in that particular thing. फिर सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि this is one of the least known department. I mean, not a lot of people know exactly what is happening in this department, and it was the same thing which happened to me. कि before joining, I was totally blank कि मुझे जाके वहाँ पे करना क्या है. क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया हर साल रिक्रूट नहीं करता यूपीएससी के थ्रू. पर जब मैं गई तो डेफिनेटली सर्वेइंग का एक छोटा सा, शायद पूरे चार साल में एक ही पेपर होता था सर्वेइंग का सिविल इंजीनियरिंग में. वहां पे बस ही वही थोड़ा एक्सपोजर है सर्वेइंग के बारे में. लेकिन यहाँ पे आके इट हैज बीन मोर देन टू इयर्स सिंस आई एम इन द सर्विस एंड आई कैन टेल यू दैट आई एम स्टिल लर्निंग टेक्निकल स्टफ. मैनेजरियल तक तो मैंने अभी तक स्टेप इन किया ही नहीं है बोला जाए तो. आई एम स्टिल लर्निंग एंड देयर आर वास्ट अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड ऑल्सो. बहुत तरीके के सर्विंग टेक्निक्स होते हैं. हर टेक्निक के बारीकी को हम लोगों को समझना होता है बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट ऑन अ डेली बेसिस. तो आई कैन से दैट टिल नाउ इट हैज बीन अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस. ऑल्दो मोर देन टू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सर्विस लाइफ बट स्टिल आई एम एट अ लर्निंग स्टेज. आई एम एंजॉयिंग इट आउट. डेफिनेटली मैम ये लेसन है मेरे ख्याल से सभी के लिए कि एमटेक को शायद लोग सीरियसली लेते नहीं है जब एमटेक में आते हैं. बट यहाँ से जो हमें मैसेज मिल रहा है कि इट्स डेफिनेटली बेनिफिशियल टू हैव एन एमटेक इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब या आईएएस. मूविंग ऑन आदर्श सर पे मैं वापस आऊंगा कि आदर्श सर जैसा आपने बताया 2014 में आपको पीएससीयू मिल रहा था, यू डिडंट ऑप्ट फॉर इट
rather you went for engineering services क्योंकि आपका mind पहले से makeup था, तो उस समय क्या आपको ऐसा कोई लगा कि आप risk ले रहे हैं या means it's a gamble? उस समय आपका क्या thought process था उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जो आपने gap लिया rather than opting for a PSU. नहीं ऐसा कुछ नहीं था, फर्स्ट ईयर से जैसे पहले बताए थे हम कि फर्स्ट ईयर से ये क्लियर था, मतलब कोई सेकंड थॉट था ही नहीं कि इसके से मैं कुछ और करना है, और कभी ऐसा सेकंड थॉट आया भी नहीं कि होगा नहीं. तो गेट फाइनल ईयर में गेट देना भी वो भी केवल बस इसलिए था कि और कोई एग्जाम था नहीं मेरे पास देने के लिए, तो बस इसको देना है तो दे दो. और कभी गेट के लिए कभी मैं सीरियस भी नहीं था, इसीलिए 14 में दिया फिर 15 में दिया नहीं. और गैम्बल ऐसा कभी लगा तो नहीं कि ये गैम्बल है ईएससी के लिए, क्योंकि शुरू से कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा कर लेंगे, सब्जेक्ट पे अच्छे पकड़ थी, तो ऐसा कभी लगा नहीं कि कोई रिस्क है इसमें. और पहला अटेम्प्ट के बाद जब नहीं हुआ था तब थोड़ा लग रहा था कि क्या गड़बड़ हो गया, क्यों नहीं हुआ. फिर जब मार्क्स आए मालूम पड़ा कि बस 5-6 नंबर से रुका है, तो फिर ये क्लियर था कि नहीं चलो कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ लक बाय लक नहीं हुआ, इस बार हो जाएगा. और फिर 16 में दोबारा दिए थे, फिर हो गया था. थैंक यू सर. सीमा मैम पे मैं मूव करूंगा.